हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ईशा स्तोगी और आज मैं बताऊंगी कि टेलीप्राइम में हम अपना शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे टेलीप्राइम में बहुत से शॉर्टकट कीज़ ऐसी है जो हमें नहीं पता है और वो हिडन है। तो सबसे पहले तो जैसे मैं डे बुक पर जाती हूँ और मुझे यहाँ से बैक आना है, तो यहाँ पर हमारे कीबोर्ड में एक साइड में स्किप का बटन होता है जिसे हम प्रेस करके बैक जा सकते हैं। ये हमारा शॉर्टकट की होता है। अब देन मेरे को एक लेज़र क्रिएट करना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर रही हूँ, ऑल्ट सी करके मैं लेज़र क्रिएट करूँगी। यहाँ से मुझे टैप करके नीचे आना है, यहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट है डायरेक्ट वहाँ पे आना है बिना एंटर के। तो मैं यहाँ पे टैप का यूज़ करके यहाँ पे नीचे आ सकती हूँ। जैसे यहाँ मैं नाम डाल देती हूँ, फिर यहाँ पे मैं टैप का यूज़ करके नीचे आ सकती हूँ बिना एंटर प्रेस के। और जब अगर मुझे वापस जाना है तो मैं शिफ्ट टैप करूँगी जिससे कि मैं वापस चले जाऊँगी। ये हमारी एक शॉर्टकट की ये हो जाती है। और दूसरी जो होती है हमारी कंट्रोल सी होती है। हमें ERP 9 में ये देखने के लिए मिलता है कि कंट्रोल ऑल्ट सी करके हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट करते हैं। बट टेलीप्राइम में एक ये इन लोगों ने नया फीचर दिया है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके हम अपना कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी तीसरी ट्रांजेक्शन दिखाऊँगी, तीसरी हिडन वो बताऊँगी शॉर्टकट की। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये डे बुक है। अभी मेरे को यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो अपनी हाइड करनी है। हाइड करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, ये शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि हाइड करने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे कोई जो ये ट्रांजेक्शन है वो हाइड करनी है। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ये गोयल जनरल स्टोर की क्रेडिट नोट की ट्रांजेक्शन जो कि मुझे हाइड करनी है, तो मैं कंट्रोल आर करूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि वो जो ट्रांजेक्शन थी वो यहाँ से अपने आप ही हट गई है, इसका मतलब वो हो गई है हाइड। अभी मुझे उसे वापस लाना है, तब मैं क्या करूँगी, तो उसके लिए होती है कंट्रोल यू। हाइड करने के लिए कंट्रोल आर और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल यू का यूज़ किया जाता है, इससे कि हमारी ट्रांजेक्शन हाइड और अनहाइड हो जाती है। ये भी एक शॉर्टकट कीज़ है। और दूसरा, जब भी हमें अपनी बहुत सारी एंट्रियों को अनहाइड करना होता है, अगर हमने हाइड कर रखी होती है, तो उसके लिए होता है ऑल्ट यू, जिससे कि बहुत सारी एंट्रियाँ जो हमारी हाइड है वो अनहाइड एक साथ हो जाती हैं। अब मुझे कोई एंट्री को जो है वो डिलीट करना है, तो मैं उसके लिए ऑल्ट डी प्रेस करूँगी जिससे कि ये डायरेक्ट यहाँ पर डिलीट हो सकती है। तो ये जो है ऑल्ट डी, ये भी हमारी एक शॉर्टकट की होती है। अब मुझे कोई एंट्री को अपनी कैंसिल करना है, मैं अपनी कोई एंट्री कर रही हूँ, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, तो मैं उसे कैंसिल करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ एक एंट्री ली, अभी मुझे इसे नहीं करना, मुझे इसे कैंसिल करना है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट एक्स करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल का ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैं यस प्रेस करती हूँ तो वो अपने आप ही वहाँ से मैं हट जाऊँगी, उस पेज को मैं छोड़ के अपने आप ही बाहर आ जाऊँगी, जिससे कि वो एंट्री जो है हमारी वो कैंसिल हो जाएगी और मुझे वहाँ से शॉर्टकट से बाहर आने के लिए भी मिल जाएगा। अभी हमें कोई एंट्री को जो है वो डुप्लीकेट करना है। जैसे कि मैं अपनी कोई भी एंट्री को जो है वो डुप्लीकेट ना करना चाहती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि मैं ये वाली एंट्री जो है वो डुप्लीकेट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अभी आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट की सिर्फ एक ही एंट्री है, नीचे डेबिट नोट है, दूसरी मुझे इसी की ही डुप्लीकेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऑल्ट टू प्रेस करूँगी जिससे कि मैं यहाँ पे इसके अंदर पहुँच जाऊँगी। अभी मैं जब इसे एक्सेप्ट कर लूँगी तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो एंट्री है हमारी डुप्लीकेट होके बाहर भी सेम आ गई है। इट मीन्स कि ये डुप्लीकेट हो गई है, इसका मतलब ये कॉपी हो गई है ये एंट्री इसमें। तो डुप्लीकेट एंट्री करने के लिए हम ऑल्ट टू का यूज़ करते हैं। अभी मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री खोल लेती हूँ, मान लिया। अभी मेरे को क्या करना है, मुझे नरेशन पे आना है, डायरेक्ट एंड पे आना है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैं सीधा एंड पर आ जाऊँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंड करूँगी जिससे कि मैं डायरेक्ट नरेशन पे आ गई, जो कि शॉर्टकट है एक, क्योंकि वरना मेरे को एंटर करना पड़ता। अभी मैं वापस होम पे जाना चाहती हूँ, मतलब वापस मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। अभी मैं यहाँ से यहाँ आ गई डायरेक्ट, अब मैं यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ ऊपर ही, तो मैं क्या करूँगी, मुझे वापस ऊपर जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस होम करूँगी जिससे कि मैं वापस वहीं आ जाऊँगी। ये भी एक शॉर्टकट की है। कंट्रोल एंड से हम नीचे आ जाते हैं, कंट्रोल होम से हम वापस ऊपर चले जाते हैं। लेज़र में हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमें बहुत सारा टाइम जो है वो बचेगा और इससे बहुत हमारा जल्दी और फास्ट काम हो पाएगा। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे अपना कैलकुलेटर खोलना है, मेरे को काम है। और कैलकुलेटर मुझे कैसे खोलना है, कैलकुलेटर खोलने के लिए भी एक शॉर्टकट की होती है जिसको हम कंट्रोल एन करके खोल सकते हैं।
आप देख रहे होंगे कि नीचे अभी तक कैलकुलेटर नहीं था, बट वो अभी कंट्रोल एन करते ही मेरे यहाँ पे आ गया है। अब मुझे इसे वापस हटाना है, तो भी मैं कंट्रोल एन करूंगी जिससे ये वापस हट जाएगा। कंट्रोल एन से ही कैलकुलेटर ऑन हो जाता है, कंट्रोल एन से ही कैलकुलेटर जो है वो अपने आप हट जाता है। अब मेरे को कोई जो वाउचर है वो ऐड करना है यहाँ पे, कोई भी वाउचर ऐड करना होता है तो हम उसके लिए ऑल टैब प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा वाउचर जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और यहाँ पे हम अपनी एंट्री जो है वो यहीं से कर सकते हैं और हमें वापस से वाउचर में गेटवे ऑफ टैली पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ये एक शॉर्टकट तरीका है, यहीं से डे बुक से ही हम कोई भी अपना वाउचर खोल के उसमें एंट्री कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ से कोई भी जो एंट्री है, कोई भी लेज़र है, उसे मुझे रिमूव करना है। तो कैसे किया जा सकता है, लेज़र कैसे रिमूव होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैं लेज़र पे आती हूँ, अभी मेरे को कोई भी जो लेज़र है वो रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल डी। यहाँ पे मैंने सॉरी कंट्रोल डी नहीं ऑल्ट डी, ऑल्ट डी करते ही यहाँ से ये जो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो कोई भी लेज़र है, कोई भी एंट्री है, वो हमारी यहाँ से डिलीट हो जाती है लेज़र से। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को ये करना है कि हमारी ये जो ट्रांजेक्शन है इसका मुझे व्यू देखना है। अगर पूरा मतलब जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी ट्रांजेक्शन है, इसका मुझे पूरा व्यू देखना है कि ये एंट्री एक्चुअल में क्या थी। यहीं से बाहर से बिना इसको खोले, बिना इसके अंदर जाए, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ प्लस एंटर प्रेस करूँगी, जिससे कि मुझे ये जो एंट्री है वो अपने आप ही शो हो जाएगी बाहर से कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या हुआ है, जिससे कि मुझे बाहर से पता चल गया बिना अंदर जाए। तो अगर मुझे बाहर से ही देखना है ट्रायल इंजेक्शन का जो व्यू है, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ। और अब मेरे को क्या करना है, अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। अब मेरे को क्या करना है, जैसे कि मेरा ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं वापस यहाँ पे मेरी लाइन आ गई है। अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर ऊपर वाली एंट्रियाँ जो है वो सारी डिलीट करनी है। तो मुझे कैसे एक साथ मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, कैसे मैं उसको एक साथ जो है वो डिलीट कर सकती हूँ, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा टाइम बचते हुए ये सारी एंट्रियाँ एक साथ सिलेक्ट हो जाती है और हम इसे एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम जो है वो बहुत बच जाता है। अभी मेरे को क्या करना है, नीचे की एंट्रियाँ जो है वो सारी डिलीट करनी है और ये नहीं करनी है, तो कंट्रोल प्लस प्लस एंड कर देंगे, जिससे कि हमारी जो नीचे की एंट्रियाँ हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। इससे हम ऊपर की एंट्रियाँ एक साथ और नीचे की एंट्रियाँ एक साथ जितनी भी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और इससे काफ़ी बेनिफिट भी हो जाता है हमें। तो ये एक कंट्रोल प्लस प्लस होम जो है ये भी एक शॉर्टकट की हो जाती है हमारी। अभी मेरे को लाइसेंस को जो है वो रिफ्रेश करना है। अभी आपको पता होगा दोस्तों कि लाइसेंस रिफ्रेश करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है, ये आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो कंट्रोल प्लस F5 से जो है वो लाइसेंस हमारा रिफ्रेश हो जाता है। सरेंडर करने से, अगर लाइसेंस सरेंडर करना है तो कंट्रोल F7 करने से लाइसेंस जो है वो सरेंडर हो जाता है। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं यहाँ डिस्प्ले में आती हूँ, अकाउंट्स बुक में आती हूँ एंड देन सेल्स रजिस्टर पे आती हूँ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अप्रैल की एंट्री दिखा रहा है। बस पहले मैं यहाँ से पीरियड चेंज करके इसकी सारी एंट्रियाँ ले लेती हूँ। तो जैसे इसमें अप्रैल की है मोस्टली, तो एक एक अप्रैल, दो अप्रैल, तीन अप्रैल ऐसी ही होंगी। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो है अपनी एंट्रियाँ चाहिए, मुझे यहीं पे ही बिना वो डाले ही मुझे अपनी एंट्री जो है आगे पीछे की देखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो हमारे कीबोर्ड में माइनस का साइन होता है हम उसे प्रेस करेंगे, तो जो है हमारा डेट अपने आप ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री नहीं हो रखी इसलिए चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं, आप ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 मई है तो 1 मई अपने आप आ गया। अगर यहाँ पे एंट्री मुझे देखनी होती 1 मई से 31 मई तक की, तो मुझे अपने आप ही दिख जाती बिना पीरियड चेंज किए प्लस करने से ही। माइनस करने से हम बैक की एंट्री एक साथ देख सकते हैं हमारा बैक में कितनी एंट्री आए और हमारी जो एंट्री आए बैक की वो कौन सी है, और प्लस करने से हम आगे की एंट्रियाँ जो है वो देख सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो ये थी आज की हमारी जितनी भी हिडन शॉर्टकट कीज हैं वो। वैसे बहुत सारी ऐसी कीज़ हैं जो मैंने आपको बताई जो मोस्टली नहीं पता होती हैं,
थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।